दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय एडिफाई स्कूल छतरपुर। थिंक बियॉन्ड। छतरपुर जिले में पिछले दो दिनों के भीतर कोरोना वायरस की दूसरी लहर का बड़ा असर देखने को मिला है। पिछले दो दिनों में छतरपुर जिले में 21 नए केस सामने आए हैं। अब छतरपुर में एक्टिव कोरोना केसों की संख्या 46 हो चुकी है। इसको लेकर छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने भी कई पाबंदियां लगा दी हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले टैक्सी चालकों या फिर अन्य यात्री वाहन चालकों को कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। इसके अलावा आयोजनों के संबंध में भी एक निर्धारित गाइडलाइन रखी गई है, जिसके तहत धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों को परमिशन लेकर आयोजित किया जाएगा और उसमें लोगों की संख्या भी सीमित ही रह पाएगी। कोरोना कैसे कैसे तेजी से विभिन्न इलाकों में फैल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे छतरपुर जिले में बढ़ता जा रहा है। पिछले दो दिनों में ही कोरोना के नए 21 मरीज सामने आने के बाद अब छतरपुर जिले में एक्टिव केस की संख्या 46 हो चुकी है। प्रदेश समेत जिले में कोविड संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। होली के दिन जिले में 12 नए संक्रमित मरीज सामने आए, तो वहीं मंगलवार को भी 9 पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई। छतरपुर जिले में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमितों की संख्या 2127 हो चुकी है। फिलहाल जिले में 46 एक्टिव केस मौजूद हैं। हालांकि तसल्ली की बात यह है कि 46 में से 44 लोग होम आइसोलेशन में हैं। मंगलवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज डिस्चार्ज भी किया गया। जिले में अब तक कुल 2048 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। सोमवार को जिले में एंटीजन किट से हुई जांचों में छतरपुर शहर के सीताराम कॉलोनी में 57 साल के पुरुष, अंबेडकर नगर में 25 साल की युवती, राजनगर के तकिया मोहल्ले में 18 साल का युवक, 35 साल का युवक और 64 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई। वहीं राजनगर की सिंचाई कॉलोनी में 36 साल का युवक, 41 साल की महिला, 79 साल के बुजुर्ग और 57 साल की महिला, वार्ड नंबर 12 खजुराहो सेवाग्राम में 29 साल की युवती और 60 साल की महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छतरपुर शहर के पन्ना नाका में भी एक 41 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। मंगलवार को भी 9 नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई। इनमें खजुराहो की विद्याधर कॉलोनी में 36 साल की महिला, सेवाग्राम में 67 साल के बुजुर्ग संक्रमित मिले, तो वहीं छतरपुर के देरी रोड निवासी 21 वर्षीय युवक, बड़ी कुंजरहटी में 21 साल का युवक, नया मोहल्ले में 21 साल का युवक, मिशन हॉस्पिटल में 27 साल की युवती, कोतवाली के पीछे रहने वाले एक 38 वर्षीय युवक, सटई रोड की संध्या बिहार कॉलोनी में 43 साल के पुरुष, पन्ना नाका की टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 41 साल के व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।